सर घटना चक्र में आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। घटना चक्र को आप किस मतलब कैसे पढ़ने का सजेशन देते हैं छात्रों के लिए? घटना चक्र के लिए इसे रट्टाफिकेशन सर मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा पीसीएस का रिजल्ट मेंस का जब आने वाला था मैं थोड़ा सा एंग्शियस था क्योंकि मेरा मेंस में हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, तो मैंने आपका चैनल फॉलो किया हुआ था, तो आपने मुझे बताया कि आपने अपने अपडेट दिए मुझे और उस अपडेट के बाद मैं एकदम निश्चिंत है। अच्छा तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये जानना चाहेंगे इस बार ऑप्शनल हट गया तो पहली बार ऑप्शनल के बगैर फिफ्थ और सिक्स पेपर, तो आपके सोर्सेस क्या क्या रहे ऑप्शनल को लेकर के, ऑप्शनल जो हटा फिफ्थ और सिक्स पे और कैसे आपने उसकी तैयारी करी? पहला क्वेश्चन ये था कि कर क्या रहे हो आप, तो मैंने बताया कि मैं CISF में असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो जी, तो ऑब्वियस क्वेश्चन था, तैयार भी सब करके जाते हैं, वो उसका आंसर दिया। उसके बाद फिर सिचुएशन पर उन्होंने कहीं पूछा, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ आप बैठे हो और मैं बंदूक निकाल रहा हूँ। अच्छा वो ऐसा बता करके दिखा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, UPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इसमें PCS 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम शुभ नाम अभिषेक पांडे है। अच्छा और हाँ सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका होम टाउन क्या है? सर होम टाउन मेरा लखनऊ है और एजुकेशन मैंने फिलॉसफी और इकोनॉमी से ग्रेजुएशन किया है। अच्छा कौन सा अटेम्प्ट आपका ये मेंस को लेकर के और इंटरव्यू लेकर के? सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये PCS का और पहला मेंस है पहला इंटरव्यू। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू रहा है। सर जो बोर्ड मेंबर थे वो बोर्ड कौन से थे और कितने देर आपका इंटरव्यू चला? सर मेरा श्री आर एन त्रिपाठी सर का बोर्ड था और लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू चला है। अच्छा सर फिर उसके बाद आपका इसमें माध्यम कौन सा? सर मैंने मिक्स्ड बोला है, इंग्लिश स्टार्ट किया था। अच्छा। कुछ क्वेश्चन वो हिंदी में बोला था तो मैं हिंदी बोला था। और इंग्लिश में ट्राई किया था। मेंस के लिए क्या माध्यम? इंग्लिश। इंग्लिश माध्यम था। और जो ऑप्शनल अभी हटा है इसके पहले तो कौन सा ऑप्शनल आपने? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा तो इस समय हम जानना चाहेंगे कि अंदर आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, सिचुएशनल बेस, करंट बेस, आपके पर्सनल को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं? सर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कर क्या रहे हो आप, तो मैंने बताया कि मैं CISF में असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो जी, तो ऑब्वियस क्वेश्चन था, तैयार भी सब करके जाते हैं, वो उसका आंसर दिया। उसके बाद फिर सिचुएशन पर उन्होंने कहीं पूछा, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ आप बैठे हो और मैं बंदूक निकाल रहा हूँ। अच्छा वो ऐसा पता करके दिखा रहे थे कि मैं ऐसे उठ के ऐसे उन्होंने करके दिखाया मुझे आप क्या करने वाले हो, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था इनका। इसके अलावा पूछा कि देश में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है कैसे कम करोगे, या फिर चौथा पूछा कि मान लीजिए आप SDM हो एजुकेशन के क्या करने वाले हो, तो ये पूछा उन्होंने। सेकंड मेंबर ने इन्वायरमेंट को टारगेट किया, उन्होंने पूछा ओजोन का डिप्लीशन पोलर रीजन में ज़्यादा क्यों होता है, इक्वेटर में कम क्यों होता है, और ये एक डायरेक्शन था। और कुछ और इंटरनेशनल रिलेशंस पे उन्होंने काफ़ी टारगेट किया। अच्छा जैसे G20 पूछा, G20 का क्वेश्चन आया, इंडिया यूक्रेन मतलब यूक्रेन और रशिया आया, उसमें इंडिया का रोल आया, और पैलेस्टीन का भी क्वेश्चन था। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में हाँ एक्सट्रीमिज्म पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि भारत में एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ रहा है, ये भी क्वेश्चन था। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। आपने कहीं कोचिंग की थी क्योंकि आप जॉब में थे और कोचिंग किया था? जॉब मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा ज्वाइन नहीं किया। मेरा अभी 23 में सिलेक्शन हुआ। कोचिंग मैंने वैसे तो किया जनरल स्टडी से किया था, वाजीराम मैंने किया था 19 में, उसके बाद से मतलब रश्मि साहब ने किया था। अच्छा उसके बाद से फिर वही तैयारी। अच्छा तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये जानना चाहेंगे इस बार ऑप्शनल हट गया तो पहली बार ऑप्शनल के बगैर फिफ्थ और सिक्स पेपर, तो आपके सोर्सेस क्या क्या रहे ऑप्शनल को लेकर के, ऑप्शनल जो हटा फिफ्थ और सिक्स पे और कैसे आपने उसकी तैयारी करी? यार मेरा मानना था कि स्टार्टिंग से मुझे पता था कि पेपर 5-6 ना बहुत ओवरलैप करता है पेपर 1-2-3-4 से, तो मैंने पेपर 1-2-3 मेरी अच्छी कमांड थी, तो मैंने बस ये टारगेट किया कि मुझे हर बात पे कोई ना कोई स्कीम बताओ, कोई ना कोई फैक्ट बताओ। तो मैंने जितने मार्केट सोर्सेज अवेलेबल थे सबको उठाया और जितना फिर 40-42 पॉइंट है UPSC सिलेबस में UP के लिए, तो मैंने हर पॉइंट पे ये टारगेट किया कि कोई गवर्नमेंट स्कीम मिल जाए या तो कोई फैक्ट मिल जाए, और जैसे कोई मिलती थी मैं मेंस में क्या करता था जो मेरे 1-2-3 की नॉलेज है उसको यूज़ किया, प्लस गवर्नमेंट स्कीम डाली और प्लस फैक्ट डाल दिया, मेरा यूपी का आंसर बन गया। अच्छा सर फिर उसके बाद हम लोग प्रारंभिक परीक्षा जो अभी 2024 का है उसके लिए कुछ रणनीति आपसे लेंगे जो है कि अभी जो इतना कम दिन बचा हुआ है और नए छात्र जो हैं वो क्या करेंगे, और आप भी 2024 का भी प्रारंभिक परीक्षा देंगे और भगवान न करें देना पड़े आपको इस बार आपका बड़े पोस्ट सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यदि आप दे रहे हैं पेपर और आपकी क्या रणनीति होगी और छात्रों के लिए क्या रणनीति होगी? मेरा फ्रैंकली एडवाइस है कि सबसे बड़ा टारगेट करना है, जो सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है वो करंट अफेयर्स को देना है। करंट अफेयर इग्नोर मत करिएगा वरना फिर नहीं होगा प्रॉब्लम्स, एकदम फिक्स मान लीजिए करंट अफेयर को ठीक ठाक टाइम दीजिए फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग ये है कि ऐसे कुछ ऐसे आप लोग क्या करते हो ना, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी की अपनी लिमिटेशन है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ के उसमें बहुत डिफरेंस ही लाओगे, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट कर लो, पॉलिटी कर लो, साइंस कर लो, तो आपका डिफरेंस आएगा। और मेरा मानना है और मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात में कि अगर किसी का पॉलिटी अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, साइंस अच्छा है और वो काम कर ले करंट अफेयर्स पे, तो प्रॉब्लम्स निकल जाएगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, सर पहले से सिलेक्टेड हैं ठीक है 23 बैच के और इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे चैनल की जो विश्वसनीयता है वो किस प्रकार सर आप देखते हो? सर मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ,
मेरा पीसीएस का रिजल्ट मेंस का जब आने वाला था, मैं थोड़ा सा एंग्शियस था क्योंकि मेरा मेंस में हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, तो मैंने आपका चैनल फॉलो किया हुआ था, तो आपने मुझे बताया कि आपने अपने अपडेट दिए मुझे, और उस अपडेट के बाद मैं एकदम निश्चिंत हो गया कि मुझे लगा आपने बोल दिया तो आएगा। अच्छा, और हाँ सर, और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जैसे आप गाइड करो लोगों को, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और इसको आप आगे बढ़ाओ और लोगों को बुलाओ, क्योंकि आपसे रेयरली लोगों को हेल्प मिल रही है ऐसा मेरा मानना है, और मुझे पर्सनली मिली आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ और चीज़ें जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए छात्रों को बताना हो? छूट रही है प्रारंभिक के लिए अगर इतना कर लिया तो मुझे लगता है सफिशियंट है। अब रिविजन करिए, रिविजन अच्छे ध्यान दीजिए, और PYQ एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी करनी है, मैंडेटरी है। 10 साल का रखिए, 10 साल का PYQ कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, अपना क्वालिटी साइंस और इसमें इन सब पे ध्यान लगाइए, आराम से निकलेगा। आराम से पूछ रहे हैं सर कि एक आया मेल आया मेरे पास, जैसे छात्रों से भी हम पूछते रहते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं इंटरव्यू में जो लोग हैं उनसे, तो UPPCS मेंस के सोर्स सेल्फ या कोचिंग रहा है, पूछ रहे हैं ऑथेंटिक बुक सेल्फ प्लस नोट्स बेस्ड है या फिर ऑनलाइन कोचिंग का जो नोट्स है, इस पर क्या करें? यार मेरा मानना है अल्टीमेटली सबको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, कोई कोचिंग कर लो कहीं ऑनलाइन कर लो, सेल्फ स्टडी प्रायोरिटी है। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी का इकोनॉमी वीक होता है, किसी का मान लीजिए पॉलिटी वीक है, किसी का इंटरनेशनल रिलेशंस वीक है, आप उसकी क्लास कर लो, और क्लास का बेस्ट तरीका है ऑनलाइन चले जाओ, आप सेक्शन पकड़ो, आप ये मत सोचो कि मुझे कोचिंग करके पीसेस निकालना है, आप तैयारी स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी करो, जो सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा उसकी आप कोचिंग कर लो, पूरी की टारगेट से बेटर है आप कुछ में सेल्फ स्टडी करो जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ में आप क्लास ले लो और सबके नोट्स बना लो, अल्टीमेटली नोट्स काम आएंगे, नोट्स काम आएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि मध्यकालीन इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़ी? यार मैंने एंशिएंट मिडिवल के लिए सिर्फ कोई बुक फॉलो किया, एक्चुअली फ्रैंकली बताऊँ किसकी नहीं थी, मैंने कहा कि नेट से कुछ फैक्ट्स निकाल लिया था, क्योंकि मेरा मिडिवल एंशिएंट वीक था, और मैं बताया जैसे कि मैं हिस्ट्री बेस पे सिलेक्शन लेने थे, मुझे पता था मुझसे हिस्ट्री नहीं होगी, तो मैंने कहा कि सारे क्रोनोलॉजी से ईयर बैटल के ईयर निकाल लिए, एक क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने क्या किया मिडिवल हिस्ट्री के लिए ये देखा क्वेश्चन आते कहाँ से, मैंने देखा 5-6 ऐसे पॉइंट है, जैसे 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मैंने वहाँ से वो तोड़ के निकाल लिया, मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की, ना एंशिएंट के लिए ना मिडिवल के लिए। अच्छा ठीक है सर, घटनाचक्र में आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। घटनाचक्र को आप किस मतलब कैसे पढ़ने का सजेशन देते हैं छात्रों के लिए? घटनाचक्र के लिए इसे रट्टाफिकेशन बेटर ये है ना, आप कोई टॉपिक पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप इसे क्वेश्चन एक बार लगाओ, आपका बहुत एफर्ट बच जाएगा, क्योंकि बुक काफ़ी मोटी है वो, टाइम लगता है सर पढ़ने में। अगर आप ये फॉलो करोगे, फॉर एग्जांपल वोल्केनिज्म है चैप्टर, आपने वोल्केनिज्म पढ़ लिया और फिर जाके आपने क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर लिया, आप देखोगे कि फिर वहाँ से एक ही दो नया पॉइंट मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप घटनाचक्र पढ़ के सोच लो कि एग्जाम क्लियर करना है तो आपको टाइम बहुत लगने वाला है, इसका ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ। मैंने क्या किया था कि मैं मंथली एक फॉलो करता था, सोर्स बता दीजिए, मंथली मैंने एक चैनल था यूट्यूब पे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। और एक इसके बाद ईयरली मैंने फॉलो किया था, घटनाचक्र ही फॉलो किया था, आई करके मैगजीन आती है। अच्छा। वो एंड में आई दृष्टि, वो एंड में किया था मैंने। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने मतलब सही हो रहे थे प्रश्न और कितने आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए? मैंने 130 के आसपास अटेम्प्ट किए थे और लगभग 100 क्वेश्चन मेरे नेट में बने थे। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार सिलेक्शन आपका किसी बड़े आपका चैनल बहुत अच्छा जाएगा, मुझे आपसे पूरा भरोसा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रुकिए सर एक मिनट। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अनुभर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।